आपकी बार नरेंद्र मोदी सरकार। देखिए आपकी बार किसी सरकार का ये कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें तो मोदी जी गए, तो मोदी जी के ही सपोर्टर थे, तो बाकी हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। मोदी को छोड़कर किसी भी आ सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ काम नहीं किया। और ये जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में एक भय का माहौल है, वो भय का माहौल कम। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत और सशक्त नेता के रूप में सामने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से जो वादे किए थे वो जमीनी स्तर पर कितने खरे उतरे हैं ये हम जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें पार्टी विशेष से ऊपर उठकर मत दिया था, उन्हें चुना था और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन किया था। अब की बार मोदी जी की सरकार आएगी, एब्सोल्युटली पावर में आएगी, नो डाउट 100% मोदी। अब की बार डेफिनेटली नॉट मोदी सरकार, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। भाई सरकार तो उसी की बनाओ जो काम करे। मोदी जी की सरकार बनेगी पक्का 100%। डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी आएंगे दोबारा, फिर वही आएंगे जैसे उन्होंने काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा काम हो रहा है, सुशासन अच्छा सुशासन चल रहा है। अब की बार मोदी की सरकार तो नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोई भी मतलब हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। 4 साल में सिर्फ दावे किए गए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। मोदी जी नहीं होंगे तो हम लोग तो मोदी जी के ही सपोर्टर थे, तो बाकी हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे दिन आ रखे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे दिन है, बिल्कुल तैयार हैं, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई चांसेस ही नहीं है आने के, और जितने सोच रहे थे उससे बहुत 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 बुरे दिन आने वाले हैं। नहीं अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन काम तो हुआ है। मेरे लिए तो नहीं आए, पर हाँ कुछ लोगों के लिए आए हैं डेफिनेटली, स्पेशली द पीपल हु आर इन पावर। अच्छे दिन चल रहे हैं और इससे भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो उनके आ गए, अच्छे दिन कहाँ आ गए, पेट्रोल 82 हो रहा है, अच्छे दिन कहाँ आए बताइए आप। अच्छे दिन तो उसके आ गए जिसने झूठ बोला था, उसने कब कहा था आपके अच्छे दिन आएंगे, ही वाज टोटली फ्रॉड। अब फ्रॉड की सरकार खत्म होने वाली है। क्योंकि मोदी साहब जो काम कर रहे हैं वो किसी ने आज तक नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। लोग बेरोजगारी के लिए कहते हैं, कांग्रेस राज में तो फिर बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी। रोजगार मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को, लेकिन मिल रहा है। बहुत अच्छा काम किया, आज देखो आज वो थोड़ा स्टार्टिंग के समय में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। पकौड़े क्या, पकौड़े बेचने कोई गुनाह है आप ये बताइए? आप खाने नहीं जाते, लोग कहाँ कहाँ कितनी दूर से आते हैं पकौड़े खाने, चांद चौक जाते हैं लोग। नहीं ये महंगाई जो है ना, ये कोई परमानेंट महंगाई नहीं है, ये तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, और महंगाई है नहीं ये, अगर देखा जाए तो कुछ जो है ना ये इंटरनेशनल मार्केट जो ऑयल क्रूड ऑयल का है उसकी वजह से थोड़ा सा ये अप हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी महंगाई हुई है, अदरवाइज महंगाई का कोई वो नहीं है। कोई रोज़गार नहीं, आधे तो करनी सेना में भर्ती हो गए, बाकी BHP में कुछ बजरंग दल में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, और रोज़गार क्या मिला आपको? नहीं नोटबंदी का समर्थन है, अच्छा किया है नोटबंदी से, उसका मैं समर्थन करता, बट अगर समर्थन करने से हमें कुछ बेनिफिट होता तो मैं करता। ब्लैक मनी करने वाले ब्लैक मनी पहले ही से ही वो कर चुके हैं अपना, मतलब पैसा उन्होंने कर लिया था, वाइट में कन्वर्ट कर गए थे, तो कोई यूज़ नहीं लगा मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ हमें तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, जो जो उन्होंने फ़ायदे गिनवाए थे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कुछ नहीं। कर 15 लाख को छोड़िए, जिनके बच्चे मर गए, पैसे निकाल नहीं सके बैंक से, उनका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी के उसमें भारत का दबदबा इतना बड़ा है कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ आज तक। विदेशों में हमारा निवेश हो रहा है, इंडिया का नाम चमक रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम चमक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, विदेश में भारत का दबदबा इससे पहले भी था, इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा था, तो इंडियन डायस्पोरा इन लोगों की वजह से नहीं चलता है। दबदबा तो कुछ नहीं पहले जैसा, ये सब कहने की बातें हैं। अब वो जो आप मीडिया देख रही है वही देख रहे हो ना आप, वहाँ जाके पता करो तब पता लगेगा। वो एक हाइप क्रिएट हुआ है बस, दैट्स ऑल। BJP के खिलाफ नहीं हूँ, कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान ऊंचा चाहिए।